हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ कहानी एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, मैंने कोलियस लगा कर रखे हुए हैं। अपने एक वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, मैं कुछ तीन चार पांच वैरायटीज़ के डिफरेंट टाइप्स के कोलियस लेकर आई थी। छोटे छोटे प्लांट्स थे, इसलिए मैंने एक सिरामिक के कंटेनर में बड़े से पॉट में इनको लगा कर रखा हुआ है, और ये एक महीने से लगे हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चाइनीज़ मनी प्लांट की। इसे पाइलिया पेपरामोइड्स भी बोला जाता है, और साथ ही इसे, क्योंकि इसकी पत्तियां गोल हैं, तो इसे पैनकेक प्लांट भी बोला जाता है। ये जो प्लांट है, जब भी कभी आप नर्सरी से लेकर आते हैं, तो उसे कम से कम 1 से 2 हफ्ते के लिए पहले अपने घर के वातावरण में उसे एडजस्ट होने दीजिए। इन्हें लगाने के लिए जो बेस्ट होते हैं वो है छोटे साइज़ के टेराकोटा पॉट्स। मिट्टी के गमले इनके लिए बेस्ट होते हैं, और इनके लिए मिट्टी किस तरीके से बनाना, आज हम सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, कुछ लोग जो है पनीवर्ड प्लांट होता है उसकी लीव्स से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो चाइनीज़ मनी प्लांट है। मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें पनीवर्ड प्लांट को चाइनीज़ मनी प्लांट के नाम से बोलकर फिर वो वीडियो जो है ऑनलाइन हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हम बता दें आपको कि ये जो पेनीवर्ट प्लांट जो है वो एक एक्वाटिक प्लांट है, साथ ही वो उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो रूट्स के माध्यम से होता है, लेकिन इसमें जो बेबी प्लांट्स निकलते ये हैं वो पेनीवर्ट प्लांट, और इसके सकर्स निकलते हैं, और ये इससे हम प्रोपगेट कर सकते हैं। इसकी लीव्स इससे मिलती जुलती हैं, लेकिन थोड़ा सा साइज़ में डिफरेंस होता है। साइज़ जो है इनकी छोटी होती है, और चाइनीज़ मनी प्लांट की जो कहना चाहिए जो लीव्स की साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए सॉइल कैसे बनाना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बेस्ट होती है कैक्टाई सॉइल, सबसे बेस्ट होती है सकलेंट्स के लिए जो हम बनाते हैं, जो इजीली जिसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाए। और सॉइल बनाने से पहले आप उसमें, आप देख रहे होंगे इसमें मैंने थोड़ा सा परलाइट भी मिलाया हुआ है। मैंने कोकोपीट थोड़ा सा सॉइल लिया है, कोकोपीट लिया है, और इसमें थोड़ी सी खाद भी मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया और परलाइट मिला के, और फिर मैंने इसे एंटीफंगल मिला के फिर मैंने इसमें रिपॉट किया है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी जितनी हल्की होगी प्लांट की रूट्स जो हैं उतनी अच्छी फैलेंगी, और पानी उतना अच्छा ड्रेन आउट होगा। पानी का ठहराव यदि ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो पौधा जो है धीरे धीरे नीचे से गलने लगता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हफ्ते में आप, जब ठंड का मौसम है तो आप इसे 2 हफ्ते में 1 बार पानी डालिए, और जब गर्मियों का मौसम होता है उस दौरान 1 हफ्ते में 1 बार पानी डालिए। सबसे बेस्ट है कि जब सॉइल ड्राई हो जाए और इसकी पत्तियां थोड़ा मुरझाने लगे उस दौरान जब आप पानी देते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी पौधे को पानी देने के लिए। जब हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो महीने में एक बार कोई भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आप अपने घर में बनाते हैं, चाहे तो आप कॉम्पोस्ट ही बनाते हो या सीवीड एक्सट्रैक्ट जो रेडीमेड आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है, आप वो भी इसे महीने में एक बार, या फिश इमल्शन वाला जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो महीने में एक बार इसे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी कितनी हल्की है। पानी जब आप देते हैं इस पौधे को तो 2 से 3 बार लगातार लगातार इकट्ठा एक ही दिन में इतना डाल दीजिए पानी कि पूरी मिट्टी भी तर हो जाए और पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाए, और उसके बाद में आपको इसको पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। ये वार्म क्लाइमेट में होने वाले पौधे होते हैं, साथ ही इनको डायरेक्ट सनलाइट की भी आवश्यकता नहीं होती है। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इनको रखें आप, जहाँ पर धूप जो है इनडायरेक्ट आए, या तो ऐसे ऐसी जगह रखें जहाँ मध्य मध्य हल्की हल्की धूप छाँव आए। धूप, तेज़ धूप जो है इनकी पत्तियों को जला देती है, इसलिए आप इनको घर के अंदर ऐसी जगह रखें, ये इंडोर प्लांट है बेसिकली, जहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इनको दिन भर मिलती रहे। आप पत्तियाँ देख रहे हैं, इनकी पत्तियाँ जो है थोड़ी सी थिक होती हैं, थोड़ी सी फ्लैशी होती हैं, और इस तरीके की एक टहनी में एक लीफ होती है, और ये जो है धीरे धीरे करके एक लंबी सी जो है टहनी ऐसी बढ़ती जाती है, और इसमें ढेर सारी पत्तियाँ इनकी वन बाय वन निकलती जाती हैं।
इसका जो प्रोपगेशन होता है फ्रेंड्स, कई बार जड़ से छोटे छोटे प्लांट्स निकलने लगते हैं जब ये प्लांट पुराना हो जाता है, या फिर इस एक जो टहनी शाखा जो आप देख रहे हैं, मेन ब्रांच या स्टेम जो आप देख रहे हैं, इसी से ही जो है नया प्लांट निकलने लगता है। उसे आप एक साफ़ चाकू की मदद से काट के और थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन लगाकर एक नई सॉइल में आप लगा दीजिए, तो आप कुछ दिनों में आपका प्लांट एक तैयार हो जाता है। इसमें जो आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ ऊपर से टिप से आपको दिखेगी, यहाँ से न्यू लीव्स निकलती, ऐसे ही इनकी ऊपर की ओर ये बढ़ते जाते हैं, इसलिए इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, ब्रांचेस कम ही इसमें देखने को मिलती है। जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे वंस इन अ मंथ कर दीजिए, उससे आपके पौधे की लीफ में जो है शाइनिंग भी आ जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार के यदि इन्फेक्शन हो रहे होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। और साथ ही इसको हफ्ते में एक या दो बार मिस्टिंग करते रहिए, ताकि लीव्स पे कोई डस्टिंग या डस्ट जमा ना हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स एंड क्वेरीज मुझे लिख भेजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।